मनोहर लाल जी की सरकार लगातार जो पद रिक्त हैं उनको भरने का काम कर रही है। पहले तो जो नौकरियां थी वो परिवार के आधार के ऊपर तय होती थी, कैसे नौकरी मिलेगी, बच्चों का विश्वास उठ चुका था सरकारों के ऊपर से, वो गलत रास्ते के ऊपर चले गए थे। परंतु इस सरकार ने युवाओं के अंदर एक विश्वास पैदा किया है और आज धीरे धीरे करके सभी जो रिक्त पद हैं उनको भरने का काम किया जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर मनोहर लाल जी ने बिना पर्ची के बिना खर्ची के रोजगार दिया जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितनी अगर पोस्टें खाली बची हैं उनको भी शीघ्र भरने का काम ये मनोहर लाल जी की सरकार करेगी। नहीं देखिए, सभी कार्यकर्ता मजबूती से काम कर रहे हैं और जब इस प्रकार की कोई बात आएगी आपसे जरूर बात को शेयर करेंगे। अभी तो हमारे सामने 2024 10 की 10 लोकसभा की सीटें, तीसरी बार मनोहर लाल जी को भी हरियाणा प्रदेश के अंदर बड़े मैंडेट के साथ वो मुख्यमंत्री बनाना है, उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। सारे कार्यकर्ता इस विषय को लेकर कुछ बातचीत हुई है, कोई पता चल पाया किस विषय को लेकर बैठक? नहीं देखिए, बैठकें होती रहती हैं क्योंकि 2024 है, अलग अलग समय के अंदर क्योंकि लोकसभा भी चल रही है और लोकसभा के बीच से मैं यहाँ पर आज यहाँ आया हूँ। पूरा का पूरा दिन मेरा मेवात के अंदर है। मेवात से आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहुत प्रेम करते हैं, मेवात से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बहुत स्नेह करते हैं, मेवात से मैं भी स्वयं बहुत स्नेह करता हूं। जब मैं यहां सरकार में मंत्री था मेरे बहुत चक्कर मेवात के अंदर लगते थे और ये सोच आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है, आदरणीय मनोहर लाल जी की है। वहीं से हमें प्रेरणा मिलती है कि गरीब व्यक्ति का विकास करना है, गरीब व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचानी है, उसको लेकर के हमारी सरकार लगातार रेलवे लाइन का काम बड़ी गति से वो चल रहा है। और जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आज 4 लाइनिंग मेवात के अंदर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे KMP जो मेवात के बीचों बीच से गुजर के जा रहा है, मेवात विकास की गति के अंदर जब इस प्रकार के संसाधन खड़े होते हैं तो काफी बार हुई है कि 600 करोड़ मंजूर कर दिए और अब तक कार्य कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा लोकसभा? ये जल्दी ही सारे, क्योंकि मैंने अभी मंच से कहा है कि मैं 2014 से पहले देखता था कि यहाँ के किसान को अपनी सरसों के खेत के अंदर पानी देना भी मुश्किल हो जाता, सरसों की फसल भी नहीं होती थी। आप सब जागरूक पत्रकार हैं, आप सबको मालूम है, इसको ऊपर स्टोरी भी लिखनी चाहिए। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि जो काम मनोहर लाल जी ने किए हैं उसको स्टोरीबद्ध लिख करके, क्योंकि ये जनहित के काम है और ये बिना भेदभाव के काम है। आज मेरे किसान के खेत में मेवात के अंदर सरसों की फसल भी हो रही है, धान की फसल भी हो रही है और गन्ने की फसल भी हो रही है, ये मनोहर कपास की फसल भी हो रही है। ये मनोहर लाल जी के कारण है कि उन्होंने, और नरेंद्र मोदी जी के कारण है जो उन्होंने सिस्टम बनाया है इस आकांक्षी जिला का। ये आपने किसने कहा, ये पार्टी अगर जो मेरे को ड्यूटी लगाएगी, अभी अध्यक्ष के नाते ड्यूटी लगाई है तो अध्यक्ष का काम बखूबी से कर रहा हूँ। हरियाणा में भी आप देखना बड़े मैंडेट के साथ मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों का उत्साह जो जोश देख रहा हूँ, जनता का जो जोश देख रहा हूँ, उस आधार के ऊपर कह रहा हूँ बड़े मैंडेट से मनोहर लाल जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी को देकर के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम कर रहे हैं। मनोहर लाल जी के ऐसे ऐसे लोग हैं ये जिन्होंने गरीब व्यक्ति के विकास के लिए काम कर रहे हैं, जिनके मन में गरीब व्यक्ति के उत्थान को लेकर के पीड़ा है और वो चिंता करते हैं कि गरीब व्यक्ति को समाज की मुख्यधारा में जोड़ना है।